What the Rahul? Rahul, what are you doing here? What the Rahul? बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, ना मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया, ना मेरे पास रोस्ट के जोक्स। अरे वेरी गुड। एक छोटी सी दुविधा है जिसका समाधान ढूंढने में आज यहाँ आया हूँ। आप इनसे मिले, ये आंचल हैं दिल्ली से और ये श्वेता और ऋषभ हैं, ये बैंगलोर से हैं। अपनी अपनी कंपनी का नाम बताओ फटाफट। हमारे कंपनी का नाम है कैंडिड मैन। मेरी कंपनी का नाम है फ्लाई रोब। फ्लाई रोब और कैंडिड मैन, दो बहुत ही अच्छे बिजनेस पर बहुत ही सिमिलर बिजनेस। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि किसे पिच करने भेजें किसे नहीं। तो हमने ऐसा डिसाइड करा कि क्यों ना दोनों को बराबरी का मौका दिया जाए। दोनों पिचेस बैक टू बैक आपके सामने पेश की जाएंगी, दोनों को इक्वल टाइम मिलेगा आपके सामने पिच करने का, आपको सवाल जवाब करने का। उसके बाद एक ऐसी आवाज आएगी, इसका मतलब ये है कि टाइम समाप्त हो चुके हैं। बट एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आपको एज शार्क्स अपना डिसीजन एंड तक होल्ड करके रखना है। जब तक दोनों पिचेस कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाती, आप अपना डिसीजन, इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट, जो भी डिसीजन है, आप तब तक रिवील नहीं करेंगे। जो टॉस जीतेगा वो पहले जाएगा। एंड रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो पैसे आपके, डिसीजन आपका। आप दोनों में से किसी एक बिजनेस में डालें, दोनों में डालें, या ना डाल के मुझे दे दें, आपका डिसीजन है सारा। चलिए टॉस करा जाए। कौन कॉल कर रहा है? मैं कॉल करता हूँ टेल्स। आप कॉल करते हैं टेल्स, तो मतलब आपका हेड जाकर, हेड जाके तो फिर आप पहले जाएंगे, और अगर टेल्स जाके तो आप पहले जाएंगे। डन। ऑन द काउंट 3, 2, 1। टेल्स। टेल्स आ गया, बहुत बहुत बधाई, आप जा रहे हैं फर्स्ट और हम चलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट सर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है श्वेता पोद्दार। हाय श्वेता। और मेरा नाम है ऋषभ पोद्दार। ऋषभ, आप देख सकते हैं आज हम दोनों ने सूट पहना है। इसने ये सूट 13,000 रुपयों में खरीदा है, और वैसे तो मेरा सूट का MRP भी 13,000 रुपया है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 1500 रुपये में ले लिया क्योंकि मैंने ये रेंट पे लिया है। कुल मिला के इसने 11,500 रुपया ज़्यादा खर्च किया है एक ऐसे सूट पे जो शायद ये कभी जिंदगी में वापस पहने भी ना। क्योंकि ये है एक इमोशनल बायर और मैं हूँ एक लॉजिकल बायर। मेन के इसी साइकोलॉजी को हमने ऑब्जर्व किया। हमने देखा कि वे अच्छे और वैरायटी ऑफ कपड़े तो पहनना चाहते हैं, लेकिन वन टाइम ओकेजन वेयर पे इतना खर्चा नहीं करना चाहते, पर इवेंट्स पे हॉट शॉट दिखना तो सबको बनता है ना। इसीलिए हम लाए हैं अपने बिलवेड मैन के लिए कैंडिड मैन, मेंस ओनली फैशन रेंटल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे आप MRP का सिर्फ 10-15% रुपए देकर कपड़े रेंट पे ले सकते हैं। हमारे पास मेंस फैशन के कई कैटेगरीज हैं, जैसे जोधपुरी, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सूट और टक्सीडो। हमारे कई सारे डिजाइन हमने खुद इनहाउस बनाए हैं। हमने आज तक अपने कस्टमर्स का 60 करोड़ से ज्यादा रुपए बचाए हैं, और फैशन रेंटल एक काफी सस्टेनेबल अल्टरनेटिव भी है फैशन पोल्यूशन का। हमने कैंडिड मैन की शुरुआत 2017 में बैंगलोर से की थी, और आज हमारे स्टोर बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली में भी है। हमारा विजन है कि हम कैंडिड मैन और फैशन रेंटल को मेंस का नंबर 1 चॉइस बनाए। आज हमारी आस्क है 60 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी इन अवर कंपनी। Come on, Rishabh, Shweta. Rishabh, Shweta, बहुत ही सुंदर लगे कपड़े। Thank you. Thanks. ये आप लोग खुद ही डिजाइन करते हैं? 50% हम खुद डिजाइन करते हैं और 50% हम होलसेलर से सोर्सिंग भी करते हैं। शानदार। थोड़ा सा आपके बारे में समझते हैं, आपको ये आइडिया आया कैसे और आप दोनों कहाँ मिले? और ये मेरे ब्रदर हैं। ओके। ऐसा हुआ था कि एक बार 2 शादियां थी एक ही महीने के अंदर, एंड मैंने कपड़े खरीदे थे 3 से 4 जोड़ी, तो मेरा अराउंड 30-35,000 खर्चा हो गया था, और एक शादी में पहना मेरा को बहुत सही लगा,
लेकिन जब 2 हफ्ते बाद दूसरी शादी में वही कपड़े पहने थे तो मेरे में इतना एक्साइटमेंट नहीं था। मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि जितना मैंने 35,000 खर्च किया है, अब मैं फिर से वो उतना खर्च भी नहीं करना चाहती थी। तो मुझे लगा कि ये रेंटल का काफी सही स्कोप है। इंटरेस्टिंग। एक बार अपना बैकग्राउंड भी बता दीजिए आप। तो मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है VIT वेलोर से। फादर टेक्सटाइल बिजनेस से हैं। ओके। तो काफी कपड़ों का बिजनेस देखा है उनके थ्रू। कहाँ पर बेस्ड है? ईरोड तमिलनाडु। अच्छा, आपका भी बैकग्राउंड बता दीजिए ऋषभ। आप गुस्से में रहते हो या आप ऐसे आप हंसते नहीं? नहीं नहीं, मतलब गुस्से में बिल्कुल नहीं। मैंने भी दीदी जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, सेम कॉलेज VIT वेल्लोर से। अच्छा, तो दीदी के सामने आप ऐसे स्टूडियस बन के खड़े हो, गुस्सा नहीं है। हाँ। वैसे बदमाश हो, दीदी के सामने सीधे हो। चलिए आगे बताइए। और फिर मैंने अपने डैड के बिजनेस में भी कुछ टाइम काम किया और मैं 1.5 इयर्स US भी जाके आया था, MS की पढ़ाई की थी मैंने। तो CEO दीदी है कि आपको? मैं CEO दीदी है। समझ गए। तो ये मार्केट के बारे में एक सवाल है कि 15 साल पहले जब रेंट द रनवे बहुत बड़ी बनी थी, $1 बिलियन कंपनी, तब से बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया इंडिया में, पर इसका एक स्टिग्मा है, जैसे बार बार कपड़े रिपीट करने का है, ऐसे भाड़े पे कपड़े पहनने का भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। तो आपको कुछ लग रहा है चेंज हो रहा है ये? मैम, स्टिग्मा डेफिनेटली है, बट वो काफी इम्प्रूव हो रहा है। और रेंटल की जितनी भी कंपनियां थी पहले, वो अपने कस्टमर्स को बहुत अफोर्डेबल एंगल से ही ट्रीट करती थी। जिस कस्टमर्स के पास पैसे नहीं है वही रेंटल करेंगे। तो वो स्टॉक भी वैसे ही रखते थे, बहुत ट्रेंडिंग स्टॉक नहीं रहते थे। और हम हर कपड़े को 1.5 इयर्स रोटेट करके हटा देते हैं, तो आपके पास हमेशा नए और ट्रेंडिंग डिजाइन हमारे पास मिलेंगे। और एवरेज प्राइस रेंज क्या होते हैं आपके कपड़े के? 899 से शुरू होके 6,000 तक है। वो रेंट पे करते हैं तो कितने दिन के लिए मिलते हैं कपड़े? मिनिमम 4 डेज है। तो ऑनलाइन में पिकअप ड्रॉप मिला के 900 रुपए? हम पिकअप ड्रॉप चार्ज करते हैं कस्टमर्स को। एक दिन आपने 900 तो एक रेंज बताई थी, 900 to 6,000, एवरेज कितना था आपका? 2,300। इसका एग्जांपल दो तो, ये क्या है प्राइस? जैसे इसने जो पहन रखा है, हाँ, हम 1,300 में रेंट करते हैं फुल सूट। कमाल है, कमाल है। पर अगर आप 10% या 15% पे देते हैं तो आपको तो 15-20 बार एक ड्रेस को चलाना है फॉर इट टू। हम 30-35% ऑफ WSP पे देते हैं। WSP मतलब? WSP होलसेल प्राइस, क्योंकि हमारा काफी कलेक्शन। तो उन्होंने बोला 10-15% ऑन MRP। ऑन MRP। अच्छा, ओके। और कहाँ, ये कितने में मिलेगा बाहर? मिनिमम 6,000 में तो मिलेगा। मेरे को लगता है 4-5,000 में मिल जाएगा ये अनब्रांडेड। लेकिन अगर आप इसको वन टाइम ओकेजन वेयरी करना है तो फिर भी 1,300-4,000 से लेस है, राइट? अच्छा ठीक है, ये हो गया 16। ये बाकी प्रोडक्ट? ये 2,600 का जोधपुरी सेट है। अच्छा, ये भी अराउंड 2,600 का है। ये काफी हेवी है, दिस इज लाइक 5,500 का है। ये वैसे कितने का आता है नॉर्मली? ये अराउंड एटलीस्ट 35,000 में आएगा। तो आप ये ब्रांडेड होते हैं? ये कोई ब्रांड्स के होते हैं? ये हमारा वी डोंट सेल इट एज एनी ब्रांड नेम। सेल नहीं, सॉरी रेंट। तो आपकी शॉप है या आप रेंटल ऑनलाइन भी करते हैं? 2018 तक हम सिर्फ ऑनलाइन मॉडल पे काम करने की कोशिश कर रहे थे। हमें समझ में आया कि कस्टमर्स फील करके ही लेना चाहता है, तो हमने बैंगलोर में जिस ऑफिस से हम काम कर रहे थे वहीं पे कस्टमर्स को अलाउ करने दिया, ट्रायल रूम बना दिया। कस्टमर्स आते थे, वेबसाइट से सेलेक्ट करते थे क्या क्या पसंद आया है, जो सेल्स का बंदा है वो कपड़े उनके ट्रायल रूम में रख देता था उनके ट्रायल करने के लिए। तो इससे हमें देखना चाहते थे कि शोरूम वगैरह खोलेंगे तो चलेगा या नहीं। अपनी दुकान से कितना बिजनेस होता है? 80% ऑफलाइन होता है और 20% ऑनलाइन होता है। अच्छा, सेल्स बताइए। तो हमारा लास्ट ईयर का सेल्स था 2.1 करोर। 2021 में हमारा सेल्स था 85 लाख। 2020 में हमारा सेल्स था 42 लाख। 2019 में हमारा सेल्स था 1 करोर। इस साल कितना चल रहा है, रन रेट कितना चल रहा है? इस साल का प्रोजेक्शन है 6 करोर। आप 6 करोर क्यों करोगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है? No, सर, हमने अभी दिल्ली में एक नया शोरूम खोला है लास्ट वीक ही। बहुत अच्छा स्टोर है। बहुत अच्छा है। तो आपकी ग्रोथ हो रही है अपने ही पैसों पे, आपने कोई फंडिंग उठाई है? नहीं, नहीं उठाई। तो आपने 3 करोड़ का बिजनेस कर लिया अपने आप से और स्टोर खोले जा रहे हो, और हर स्टोर प्रॉफिटेबल है? हर स्टोर प्रॉफिटेबल है और कंपनी लेवल पे भी प्रॉफिटेबल हो। हाँ, बढ़िया। और हैदराबाद के स्टोर का इकोनॉमिक्स बता दीजिए। अभी तक हैदराबाद के स्टोर से नहीं, मंथली, लास्ट मंथ का बता दीजिए। लास्ट मंथ 10 लाख
हैदराबाद के बता दो 10 लाख का रेवेन्यू खर्चे क्या है, क्या बचता है फाइनली? अराउंड 20% हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है जीएसटी। इसकी आपके सॉरी हां कैलकुलेशन कैसे करते हो? बिकॉज़ ऑन एवरेज एक जो प्रोडक्ट है वो तो आप 20% एमआरपी पे ही दे रहे हो। हां तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकालते हो आप? हम जो कपड़े खरीद रहे हैं वो डिजाइंस 1 साल में पुराने हो जाएंगे और 1 साल में वो पूरा रिप्लेस करना पड़ जाएगा। तो आप नंबर ऑफ वेयर ले लेते हो 1 साल में, उसका डिवाइड कर देते हो ऑफ टोटल परचेज प्राइस और पर रेंटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हो, वही करते हो आप? हाँ। तो कि एक कपड़े का कितना आ रहा है 1 साल में यूसेज? ऑन एन एवरेज 8 आ रहा है। 8। एक बार इकोनॉमिक्स पे आते हैं दोबारा, आगे चलते हैं हम 10 लाख में। जीएसटी हम माइनस करते हैं। जीएसटी कितना? 12% GST। 5% हम ड्राई क्लीनिंग का माइनस करते हैं। 5% ड्राई क्लीनिंग। 65% हमारा ग्रॉस मार्जिन होता है। हाँ जी। और हम सैलरी का 15% करते हैं। सैलरी का 15%, रेंट का 5%। 50,000 में स्टोर? वही। कैसे फिर? It's like 1 lakh around. तो 10% हो गया। 10% हुआ ना, 10 लाख की सैलरी। नहीं मतलब ये मतलब in general we calculated yearly. 5-10% rent पकड़ लेते हैं, बाकी बचा 40%, उसका क्या हुआ? वो हमारा EBITDA हुआ। अरे वो तो नहीं हो सकता है ना आपका EBITDA? आप 40% EBITDA कमा रहे हैं? नहीं एक और। नहीं हम लोग marketing का भी minus marketing होगा। का marketing का कितना बताइए? हम around 5% spend करते हैं marketing। 5% तो चलिए 35% आप EBITDA निकाल रहे हैं। हाँ। लास्ट मंथ सेल कितनी आपकी? अगस्त 28 था, सितंबर 21 था। 20 लाख में से पिछले महीने 6 लाख रुपए अपने घर में बचे। हाँ। और लास्ट ईयर कितना बुक्स में दिखाया आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 60 लाख। सेल ऑफ वेरी नाइस। पूछ लो कुछ। हाँ जी कुछ। ऐसा भी होता है कि लोग वापस ना दें? आके होता है लेकिन लेस देन 1% है। तो फ्रॉड का इज नॉट अ बिग थिंग। नॉट अ बिग थिंग बिकॉज़ टिल द नंबर इज स्मॉल। ठीक है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपटीशन आए थे, तो एक कंपनी थी फ्लाईरोब, नाम सुना है आपने उनका? हाँ सुना है। तो उनको तो फंडिंग वगैरह भी मिली हुई है पहले? हाँ, मिला। बट वो आपने सुना था कि वो इतना अच्छा नहीं कर रहे, तो फिर भी आपने सोचा कि आप इसमें घुसना चाहिए? हम लोग जो कर रहे हैं बहुत अलग है। फर्स्टली उन लोग ने जो स्टोर्स खोले थे वो बहुत बड़े स्टोर्स खोले थे जिसमें उन्होंने आके रेंट वेंट में बहुत स्पेंड किया था। बेसिकली तो मॉडल में ही फर्क है कि हम काफी चीजें इन हाउस सोर्सिंग करते हैं, बिकॉज हमें ये भी समझ में आता है कि मेन कंज्यूमर को इतना फर्क नहीं पड़ता कि ये ब्रांड किसका है। आज से 3 साल में आपका क्या प्लान है, कितना बड़ा बिजनेस होगा आपका एंड हाउ, मतलब कैसे बनाओ? प्रोजेक्टिंग लाइक अराउंड एटलीस्ट 3x ग्रोथ एवरी ईयर। तो आप ये कह रहे हो कि इस साल 6 करोड़ करोगे, अगले साल 18 करोड़ करोगे और उसके अगले साल आप करोगे 54 करोड़। जब 54 करोड़ करेंगे अपन लोग, कितने होंगे अपने स्टोर? 15-20। I think 15 पर आपने बोला कि 10 लाख पर मंथ आएगा एक स्टोर से, तो 1.5 करोड़ × 12 18 करोड़ हुआ। मेरे को बहुत क्लियर नहीं लग रहे नंबर स्ट्रेटेजी वाइज अभी, फ्रेंकली आप लोग नंबर बड़े बड़े बोल रहे हो पर उसकी बैकवर्ड मैथ जो होती है ना वो स्टेडी स्टेट क्या बैठेगी? आपको 40-50 स्टोर चाहिए होंगे ना? हाँ। तो आपको ये मैथ क्यों नहीं पता है? सॉरी अभी सॉरी बोलने का टाइम खत्म हो गया ना, आप शार्क टैंक पे सामने खड़े हो, तो इतना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में आपने नहीं सोचा है, आपने यही देखा है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है इसको इस तरीके से बढ़ाया जा सके। और आप के एक स्टोर बनाने में कितने पैसे जाते हैं? अराउंड 60 लाख। 60 लाख। 40 स्टोर बनाने में आपको ऑलमोस्ट 25-30 करोड़ लगेंगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है आपकी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या रहेगी आगे चलते हुए? मतलब हमारा क्वालिटी और सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस है। व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? ही और शी? नो, मार्केटिंग आई थिंक इज समथिंग व्हिच वी हैव नॉट डन। You can use a lot of help on branding, that's for sure. Okay. इस साल 6 करोड़ में कितना पैसा बचा लोगे? 2 करोड़ बचा लेंगे। आप दोनों की equity same है? 50-50? नहीं, मैंने 2017 में शुरू किया था, इसने मुझे 2022 में join किया है। Okay. तो आपकी कितनी है? मेरी 70 है, इसकी 30 है। ये जो business है, ये operationally एक बहुत बड़ा challenge है। Secondly, very high inventory model. और थर्डली डैमेज रिटर्न मेंटेनेंस, बहुत खिटपिट वाला बिजनेस है। और इतना सब खिटपिट करने के बाद भी जो एक इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट है उसमें ये कितने हद तक स्केल होगा आउटसाइड ऑफ मेट्रोज, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। ऋषभ, श्वेता, सो मैंने भी नमिता की तरह डिसाइड किया था कि रेंटल वाले बिजनेस में कभी घुसना नहीं है।
इसमें आपका दो जो चीजें हैं वो बहुत ही क्रिटिकल हैं जो आपने क्रैक की है. एक तो है कि आपने 1 ईयर में एक कपड़ा ऑन एवरेज बोला कि आप 8 बार कंज्यूमर को रेंट करते हो. दूसरा आपने बोला कि आपका जो फ्रॉड केसेस है वो इज लेस देन 1%. तो ये दोनों जो मेट्रिक्स हैं मतलब मेरे दिमाग में पॉसिबल ही नहीं थी एक रेंटल बिजनेस के लिए. पर अगर आपने वो क्रैक किया है तो आप में कुछ एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ है बट आपकी टीम में बहुत गैप्स हैं. तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ बट दिस इज कंडीशनल टू मी वेरीफाइंग दीज टू नंबर्स. एवरेज यूनिट का 8 बार एक साल में यूसेज होता है एंड 1% से कम है फ्रॉड केसेस. सो माई ऑफर इज 60 लाख जो आपने आस्क था फॉर 10% ऑफ द बिजनेस बिकॉज दिस विल रिक्वायर सम हैंड होल्डिंग. वाओ वेरी नाइस है. फाइनली यू गॉट एन ऑफर. ऋषभ अब तो हंस दे. नहीं बट हमारा इस साल का ही प्रोजेक्शन है रेवेन्यू में 6 करोड़ और 2 करोड़ तो प्रॉफिट है आपका इस साल. हाँ. आपको थोड़ी सी ठेस पहुंची इतना लो वैल्यूएशन सुन के. ये हुआ डोंट वरी अनुपम इसको सॉल्व कर देंगे. वो आपको ये बहुत अच्छा ऑफर देंगे क्योंकि वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते फाउंडर्स. आई विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स. आई विल गो नेक्स्ट. नो ब्रो स्ट्रेसिंग मी आउट. नहीं आपके बिजनेस का पंचनामा निकाला जाए तो मेरे को लगा कि प्रोडक्ट आपने मार्केट में ढूंढ लिया. आप दोनों की एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी. मेरे को बहुत पसंद आते हैं ऐसे फाउंडर्स. प्लान ऑफ एक्शन इतना थॉट क्लैरिटी नहीं मिली बट उसको मिलके जंप स्टार्ट कर सकते. मैं आपको ऑफर देता हूँ 60 लाख जो आपने मांगा वही फॉर 5% इंस्टेड ऑफ 10 जो विनीता ने दिया. तो आई एम वैल्यूइंग द कंपनी 12 करोड़. श्वेता सुपर इम्प्रेस्ड. आप बहुत शार्प और एनालिटिकल तो कॉन्ग्रेचुलेशन. मुझे लगता है आप बहुत दूर जाएंगे. ये लेकिन जैसा सबने कहा ऑपरेशनली काफी इंटेंस रहेगा. आपको कम से कम 50 करोड़ की जरूरत पड़ेगी. ये बात से मैं कन्विंस हूं कि अगले 2-4 साल VC इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे. और ये वाला रिस्क लेने के लिए एज विनीता ऑफर्ड टू यू दैट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स बैठना पड़ेगा 8-10% ऑफ योर कंपनी. वो आज आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी. इस वजह से मैं आउट हूं. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आपने ठेस पहुंचाई. ऋषभ श्वेता सॉलिड एंटरप्रेन्योर्स. अभी आप 5-10% कंपनी के मत देना. मैं अभी आउट हूँ. ज़्यादा आपको अभी हेल्प नहीं चाहिए. 2-3 और स्टोर्स खोलो फिर आपको अच्छी वैल्यूएशन भी मिलेगी. ये लोग बहुत गंदी वैल्यूएशन दे रहे हैं आपको. खुद तो आउट हो गए. सो हमारा आप दोनों के लिए काउंटर है 60 लाख फॉर 3% एक्विटी. वेरी नाइस. मतलब दोनों शाख को चाहती है कि कोई भी ले सकता है. दोनों भी चलेगा कोई भी चलेगा. बट वैल्यूएशन 20 करोड़. 20 करोड़ आपका नो गो है. 2 करोड़ तो हम प्रॉफिट करेंगे ही. मैं 20 करोड़ तक तो नहीं जा पाऊंगी. एक मैं सजेस्ट कर सकता हूं कुछ. आप जो भी करना चाहें ऑफर कर दो एट व्हाट इक्विटी. और अगर आप वो 2 करोड़ का पैट कर लेती हैं तो आप क्लॉ बैक कर लो थोड़ा इक्विटी. हां दैट इज फाइन विद अस. 3% विद द क्लॉ बैक. ठीक है चलिए मैं आपको अभी ऑफर करती हूँ 60 लाख फॉर 5% एंड अगर आपका 2 करोड़ पैट FY24 में हो जाता है एंड माई अदर कंडीशन स्टिल होल्डिंग तो आपको वो 2% एक्स्ट्रा जो क्लॉबैक मिल जाएगा तो वो 3% आपको डील मिल जाएगा. सेम ऑफर. आर यू गाइस गोइंग टुगेदर? ठीक है गुड. Deal pakki. Awesome. Congratulations. Thank you. Super inspired.